फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने शेयर करेंगे खीरे का रायता। ये देखिए, हमने दो खीरे लिए हैं और इनके छिलके उतार करके हमने इनको कद्दूकस कर लिया है इस तरह। अब हम इनका पानी इस तरह से निकाल लेंगे और इन्हें अलग से रख लेंगे। और इसके लिए कुछ मसाले भूनेंगे जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने खीरे का इसको अच्छे से इस तरह प्रेस करके इसका पानी अलग कर दिया है और ये खीरा अलग कर दिया है। अब हम इसमें भुने हुए मसाले पीस करके ऐड करेंगे और हमारे मसाले जो हमने भुने थे उनको हमने पीस लिया है और इसके साथ हमने कुछ हरी मिर्चा भी काट ली है। अब हम इन सबको इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करेंगे नमक। नमक वैसे हम लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि फिर ये नमक पानी छोड़ देता है और रायता उतना टेस्टी नहीं बनता है। और लास्ट में ऐड करेंगे इसमें दही। ये देखिए, इसमें ऐड कर रहे हैं अब हम दही और अब इसे कर लेंगे हम आपस में मिक्स। सारा हमने मिक्स कर दिया है और इसमें कुछ धनिया पत्ती भी ऐड कर लेंगे। और इस तरह का रायता पहाड़ों में बहुत पसंद किया जाता है। ये देखिए, धनिया पत्ती ऐड हो गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। देखिए, हमारा ये पहाड़ी रायता रेडी हो चुका है और आप भी इस तरह से रायता, खीरे का रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी होता है और जब पहाड़ों में घूमने आए तो आप ज़रूर इस रायते का स्वाद लीजिएगा।